सब तो पहले तो मैं दस्सिया जी डंपिंग ग्राउंड के वास्ते ही लड़ाई लड़नी है और होर बहुत सारे क्योंकि 5 साल BJP सरकार ने इतने जो इतने बहुत गंद पा के गए हो अभी तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं और यहाँ से जो जीत के गए हैं वो बाहर से आए हैं। स्किन के स्किन प्रॉब्लम TB दमा कैंसर जैसे मरीज पाए जाते हैं और ये दर्द कोई छोटा दर्द नहीं है, चंडीगढ़ के लिए अभी शाप है। नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश TV। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको बता दें, हर बार वोट की संख्या 26 हुआ करती थी, लेकिन इस बार बढ़ाकर 35 कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 26 में, जिसके अंदर डड्डू माजरा कॉलोनी और शाहपुर विलेज आता है। आइए इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र जी से, उनका क्या कुछ कहना है और वो मैदान में किन किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कांग्रेस की साइड से आपको टिकट मिली है। थैंक यू। अब आप ये बताइए कि आप इस बार मैदान में किन किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं। मैम, साढ़े वार्ड नंबर 26 विच मुद्दे तो बहुत ज़्यादा है, पर सब तो जी वड्डी प्रॉब्लम साढ़े ते है वो है डंपिंग ग्राउंड। और सब तो पहला तो असं डंपिंग ग्राउंड उठाने वास्ते ही इस मैदान के उतरे हैं। अगर आप चुनाव में जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप किन कामों को प्राथमिकताएं देंगे? सब तो पहले तो मैं दस्सिया जी डंपिंग ग्राउंड के वास्ते ही लड़ाई लड़नी है और होर बहुत सारे क्योंकि 5 साल BJP सरकार ने इतने जो इतने बहुत गंद पा के गए हो 5 साल दे विच और कोई एक तो काम किया हो, कोई एक भी काम नहीं है। अगर बात की जाए BJP की, तो जो BJP ने किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं उनकी छवि पर बहुत असर पड़ा है, और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी कुछ ना कुछ फेरबदल के कारण कहीं ना कहीं असर पड़ा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पर फिर भी मैम, कांग्रेस पार्टी वर्गी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के हित की पार्टी है। उन्होंने जो गरीबों के हक की गल है वही करते हैं जी। ये BJP वर्गे मतलब झूठे लारे नहीं लाने वाली पार्टी। अच्छा, लोगों का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो उस वक्त सभी पार्टी के उम्मीदवार आते हैं, अनेक वादे भी करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद फोन तक रिसीव करना जरूरी नहीं समझते, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, वो लोग बाहरों आते हैं ना जी, साढ़ा तो घर ही इतने है जी, 222 नंबर है साढ़ा घर और इतने के ही असं बच्चे हैं। वैसे ही सोशल मीडिया के सोशल वर्क के जुड़े हुए हैं, वैसे बाबा जी की सेवा के और हर एक गरीबों के नाल उठ के तुरना, अपने वर्गे गरीबों के नाल उठ के तुरना, और असी तो कितने जाना ही नहीं है डड्डू माजरा छड़ के, वार्ड अपनी वार्ड में छड़ के नहीं जाना, अपना परिवार में छड़ के। अगर देखा जाए तो इस बार चंडीगढ़ के नगर निगम में आप पार्टी पहली बार आई है और उनका कहना है कि हम जो वादे करते हैं वो हमारे एक ठोस तरीके से वादा होता है, हम कोई झूठी अफवाहें नहीं फैलाते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा है कि जो कांग्रेस पार्टी वादे करती है वो कहीं ना कहीं झूठे हैं और सिर्फ सत्ता में आने के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बात करें उनके जो भी पानी की, पानी के बिल की, उन्होंने बोला है कि पानी फ्री देंगे, तो वो क्या दे देंगे? ये सब झूठी बातें हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर अपने हित में खड़ी है, वो अपने वादों पे पक्की है। लेकिन उनका कहना है कि चलो कुछ टाइम से BJP आ रही है, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस ही थी, तब ये जो समस्या है वोट की वो तब क्यों नहीं सुलझाई गई? कांग्रेस के राज में आपने देखा होगा 410 रुपये का सिलेंडर था, जब कांग्रेस का राज था 410 का सिलेंडर था, अभी 1100 का हो गया, अभी पेट्रोल 100 प्लस कर गया है। तो मैम, कांग्रेस में ऐसा नहीं था, ये सब ये जुमले वाली सरकार है, इनका कुछ पक्का नहीं कह सकते कि क्या है, इनकी सच्चाई कुछ नहीं है इनकी, BJP की। अपने वार्ड वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? अपने वार्ड वासियों को संदेशा यही देना चाहते हैं, अपने परिवार को ये संदेशा देना चाहते हैं कि इस पार्टी से बचें, इन झूठे वादे करने वाले जो पार्टी के लोग हैं इनसे बचें, और एक सच्ची पार्टी जो गरीबों के हित की पार्टी है उनको चुने, और आने वाले जो 24 तारीख है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट देकर जिताएं, यही कहना चाहूँगा जी। आप किस तरीके से जंपिंग ग्राउंड का जो मुद्दा है उसको सॉल्व करेंगे? मैडम, दयाल कृष्ण नाम है, मैं डंपिंग ग्राउंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अध्यक्ष हूँ। पिछले 30 साल से हम डंपिंग ग्राउंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चावला जी, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि हमने ही एक मुहिम चलाई थी कि हमें एक लोकल कैंडिडेट चाहिए जो डड्डू माजरा की समस्या को समझ सके।
अभी तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं और यहाँ से जो जीत के गए हैं वो बाहर से आए हैं। हमारी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है, बल्कि यूँ कहें उससे चार गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। डंपिंग ग्राउंड एक ऐसा भी शॉप है जिसको हम 30 साल से झेल रहे हैं। घर घर में यहाँ स्किन प्रॉब्लम, टीवी, दमा, कैंसर जैसे मरीज पाए जाते हैं और ये दर्द कोई छोटा दर्द नहीं है। चंडीगढ़ के लिए अभी शॉप है। आज 66वें स्थान पर हम आकर खड़े हुए हैं स्वच्छता में। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पहले जो पार्टियाँ थी उन्होंने क्या काम किया। हमें खुशी डड्डू माजरा कॉलोनी के लोगों को इस बात की है कि हमें अब लोकल कैंडिडेट मिले हैं, ज़्यादा नहीं तो हमारी उस समस्या को, डंपिंग रोड की समस्या को अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि डड्डू माजरा कॉलोनी के जो निवासी हैं, एक शरीफ और साफ छवि वाले इंसान हमारे बीच में पार्टियों ने जो भेजे हैं उनको अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं, ताकि वो हमारी समस्या को नगर निगम में जाकर जब भी हाउस की मीटिंग हो तो वो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा ज्यादा से ज्यादा उछाले। देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा, इनका कहना है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले डंपिंग ग्राउंड का ये जो मुद्दा है उसको सुलझाएंगे, उसके बाद लोगों की जो भी आम समस्या होगी उस पर भी ध्यान देंगे। ये ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।